फिर से ज्वाइन होने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। साइबर क्राइम फ्रॉड से बचें। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, आपका अकाउंट खाली का खाली किया जा सकता है, आपके अकाउंट को खाली किया जा सकता है, आपके सारे के सारे पैसे निकाल दिए जा सकते हैं। साइबर क्राइम फ्रॉड से बचें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले तरह तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती थी और उन टेक्निक्स के माध्यम से लोगों को लूटा जाता था, लॉटरी के बहाने या आपके मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा लिंक भेजा जाता था, और इसके अलावा आपसे ATM पासवर्ड मांगा जाता था, या लॉटरी के बहाने या किसी और लूटा जाता था। लेकिन एक नई टेक्निक इस्तेमाल में की जा रही है, फ्रॉडस्टर्स के द्वारा आपके बैंक अकाउंट को हैक किया जा सकता है, आपके बैंक को खाली किया जा सकता है। वो नई टेक्निक इस तरह है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसा आएगा, 200, 500, 1000, 1500 या इससे ज़्यादा या इससे कम भी आ सकता है, फिर आपके फ़ोन कॉल आएगी और आपसे कहा जाएगा कि भाई साहब आपके अकाउंट नंबर पे गलती से कुछ पैसा आया है, लिहाजा आप उसी अकाउंट नंबर पर वो पैसा रिफंड करें। आप ध्यान से सुने, आपने इस तरह की गलती नहीं करनी है, उस अकाउंट नंबर पे आपने पैसा रिफंड नहीं करना है, और उनसे ये कहना है कि आप पर्सनली मिलें और अपना पैसा ले जाएं। इस तरह की एक नई टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है कि आपको कहा जाएगा कि आपके नंबर पर, और पैसा ज़रूर आएगा, हम आपको बता दें कि आपके अकाउंट नंबर पर पैसा आ सकता है, लेकिन उस नंबर पर जिससे आपके अकाउंट नंबर पर पैसा आएगा उस नंबर पर आपने वो रिफ़ंड नहीं करना है, और उस सूरत में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। लिहाजा साइबर क्राइम फ्रॉड से बचें। इस तरह की हरकत अगर आप करते हैं तो आप के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। इस तरह के नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और फ्रॉडस्टर्स के द्वारा आपके बैंक अकाउंट को हैक किया जा रहा है, आपके बैंक अकाउंट से लाखों के लाखों रुपए लिए जा सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट को खाली किया जा सकता है, और आपके कानों कान खबर नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। इन दिनों इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस टेक्निक के द्वारा लोगों को लूटा जा रहा है, लिहाजा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके लोगों को समझाएं, अपनी प्राइवेसी, अपनी सिक्योरिटी का सही तरीके से ध्यान रखें। जिस तरह की आप एप्लीकेशंस अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रांजैक्शंस और इस तरह की एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का सही तरीके से ध्यान रखें। अपनी बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें, जिससे कि आपके साथ कोई ऐसी परेशानी सामने ना आए। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें शिव टाइम्स।